Everyone, hope you're doing well. I'm making a short video क्योंकि आज मैं कनाडा जा रहा हूँ वापस इंडिया से एक महीने के बाद. I'm pretty excited, a bit emotional as well. So mixed feelings हैं, but हाँ वहाँ पर जाके काम स्टार्ट करना है, number of things are there. So yes, it's a kind of challenge for me. हाँ तो आज हम guys बात करेंगे कि क्या क्या requirements हैं जब हम इंडिया एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं. ठीक है guys, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि फुल वीडियो में आपको दो या तीन दिन में थोड़ा एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा लेट शेयर करूँगा. बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आजकल में भी काफ़ी लोग विजिट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो उनके लिए दिस इज़ गोना बी वेरी यूजफुल. आई डोंट वांट टू मेक इट मेक इट लेट, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. इसमें गाइस ये होता है कि पहले आप एंटर करोगे, मेक श्योर आपके पास टिकट हो, ठीक है, ऑब्वियसली, और आपका वहाँ पे गाइस पासपोर्ट, आपकी वो आईडी वगैरह वो चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. उसके बाद गाइस लाइक टिकट हो गई, टिकट चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करें या फिर आपकी आईडी भी मांग सकते हैं, और वहाँ से आप एंटर हो गए, ठीक है. तो गाइस आप जब एंटर हो गए वहाँ पे, तो आपने गाइस देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है. फॉर एग्जांपल, अगर ये कनाडा की है तो आप गाइस ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके गाइस लिखा हुआ है, ठीक है. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है वहाँ पे ढूंढने में, तो आप गाइस वहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, वहाँ से पूछ सकते हैं, इट बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है. तो गाइस फॉर एग्जांपल, एयर कनाडा से आप जा रहे हो तो आपकी एच नंबर है, ठीक है. तो एच नंबर पे गए आप वहाँ पे, गाइस क्या है, एच नंबर पे गए आप तो वहाँ पे आपने उनको टिकट दिखाई, ठीक है. वहाँ पे गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपसे पूछेंगे यार आईपीएन की एप्लीकेशन आपने लाइक वो भरी हुई है फॉर्म, ठीक है. और आपके पास गाइस जो बोर्डिंग पास देने से पहले आपसे ये भी पूछेंगे कि हाँ आपके पास लाइक फुली वैक्सीनेटेड आप हो या नहीं हो, टिकट चेक करेंगे. आपके पास वीज़ा कौन सा है वो चेक करेंगे, स्टैम्प चेक करेंगे वो, ठीक है, वीज़ा की. तो गाइस वहाँ पे वो आपको फिर बोर्डिंग पास दे देंगे वहाँ पे, ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे केस में गाइस, क्योंकि मैं वर्क वीज़ा पे हूँ, तो उन्होंने गाइस वो चेक किया, मेरा लाइक वर्क परमिट चेक किया और पासपोर्ट चेक किया, ठीक है. उसके बाद गाइस उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया और आप वहाँ पे मैंने अपना जो बैग था लाइक वो मेरा 23 kg वाला जो था मैंने वहाँ पे चेक इन कर दिया, ठीक है. वो मुझे सीधा जाके टोरंटो मिलेगा, ठीक है. उसके बाद गाइस चीज़ें आती हैं, आपने स्टैंप लगवानी होती है पासपोर्ट होल्डर जो वहाँ पे डेस्क बने हुए हैं, ठीक है. तो वहाँ पे डिपार्चर की आपकी आपकी स्टैंप लग जाएगी. वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कुछ कि हाँ कनाडा में क्या क्या रिक्वायरमेंट, मेरे से पूछा था उन्होंने गाइस कि कनाडा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो मैंने उनको बताया कि हाँ वहाँ पे वी नीड टू बी जस्ट फुली वैक्सीनेटेड. उसके लिए फिर आप आरटीपी स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, कोई नहीं पूछेगा. रैंडमली कनाडा में जाके चेक कर सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, बट एज ऑफ नाउ अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है. वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं आज की डेट में, ठीक है. उसके बाद गाइस वो स्टैंप लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है. उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा आपका, जो भी आपके लाइक आइटम्स फॉर एग्जांपल लाइक बेल्ट, पर्स, आपका आपके मोबाइल फ़ोन सब वो ट्रे पे रखे, एक सिक्योरिटी चेक इन सिक्योरिटी चेक होगा. उसके बाद गाइस आप जैसे बोर्डिंग पास पे इंफॉर्मेशन होती है, तो आप गाइस आप फिर आराम से उसको चेक कर सकते हो कि आपका गेट नंबर कौन सा है. फॉर एग्जांपल मेरा 18 नंबर गेट नंबर है, तो मैं 18 नंबर गेट पे आ गया, यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाओ और फ्लाइट पे चढ़ जाओ, ठीक है. तो गाइस जस्ट इमेजिन, इट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोसेस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. आप आओ, ठीक है, अपनी टिकट चेक करवाओ, ठीक है, और अपना पासपोर्ट चेक करवाओ, ठीक है. उसके बाद अपनी एयरलाइन देखो कौन सी एयरलाइन है, वहाँ पे जाके बोर्डिंग पास लो, जो भी अराइव कैन की एप्लीकेशन उन्होंने फिल करने के लिए बोला है वो फिल करो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. और गाइस इसके बाद आपका जो भी वीज़ा है पासपोर्ट पे वो मेक श्योर कि सही हो. उसके बाद गाइस आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा. बोर्डिंग पास के बाद गाइस पासपोर्ट पे अपनी स्टैंप लगवानी है डिपार्चर की इंडिया से, ठीक है. तो अब डिपार्चर की जब स्टैंप लग गई, उसके बाद गाइस आपने अपने जो सिक्योरिटी चेक इन है, सिक्योरिटी चेक है वहाँ पे, जो आपके लाइक आपका जो हैंडबैग है ये चेक होगा, जो भी स्मॉल स्मॉल आइटम्स हैं मोबाइल फ़ोन वॉलेट सब आपको बोलेंगे कि आप एक ट्रे में रख दो, उसकी चेकिंग होगी. उसके बाद गाइस आपने अपने जो बोर्डिंग पास पे गेट नंबर आपको मेंशन किया होगा वहाँ पे पहुँच के अपने फ्लाइट में बैठ जाना है. दैट्स इट, इट्स वेरी वेरी ईजी प्रोसेस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. होता है गाइस स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बट हाँ इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है. बाकी गाइस मैं फुल वीडियो एक दो दिन में शेयर कर दूंगा, ठीक है. शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग आजकल में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए यूज़फुल हो, ठीक है. सी यू गाइस. बाकी मैं कनाडा में जाके वहाँ का क्या प्रोसेस है वो भी शेयर करूँगा, और दो स्टॉप तीन स्टॉप या फिर डायरेक्ट फ्लाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं वीडियो बनाऊँगा. तो गाइस उन वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. प्लस गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर करो ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय.